जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे, हनुमान जी भी स्वयं देवों के देव महादेव के अवतार थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर रावण किसके अवतार थे? तो चलिए जानते हैं आज के इस खास वीडियो में कि यह महाज्ञानी पंडित आखिर किसके अवतार थे। आप देख रहे हैं हरि दर्शन ज्ञान यूट्यूब चैनल को। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। कहा जाता है कि रावण बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी ब्राह्मण और क्षत्रिय था, लेकिन रावण अनैतिकता और अधर्म का पर्याय माना जाता है। परंतु यह रावण का अधूरा परिचय है। हम यह पूरा वाक्य आपको विष्णु पुराण के अनुसार सुना रहे हैं। साथ ही साथ हमने कई सारी पुस्तकों का अध्ययन किया है जिसमें अलग अलग रूप में रावण के बारे में बताया गया है, और आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। हम चाहते हैं आप भी कमेंट्स बॉक्स के जरिए बताएं कि रावण किसके अवतार थे। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि आज जिसे हम अपना शत्रु समझते हैं वो रावण एक समय में भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। यह भगवान विष्णु के दौर पर पहरा दिया करते थे। ये वही विष्णु हैं जिन्होंने द्वापर युग में भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया था। एक श्राप के कारण रावण में राक्षसी प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई और इसी कारण से बना रावण एक राक्षस। पौराणिक कथाओं की मान्यताओं के अनुसार एक बार सनन सनक सनातन और शरद कुमार भगवान विष्णु के दर्शन करने आए। उस समय विष्णु जी के दो द्वारपाल जय और विजय पहरा दे रहे थे। उन्होंने चारों को अंदर जाने से मना कर दिया। प्रवेश की अनुमति ना मिलने पर ऋषिगण नाराज हो गए और उसी क्षण ऋषियों ने जय और विजय को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। जय विजय ने ऋषियों से क्षमा मांगी और भगवान विष्णु ने भी ऋषियों से अनुरोध किया कि वे उन्हें क्षमा कर दें। आखिरकार ऋषियों ने श्राप के प्रभाव को कम करते हुए एक व्यवस्था की। उसके अनुसार श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन उसका प्रभाव कम किया जा सकता है। इसके लिए उन्हें 3 जन्मों तक राक्षस रूप में जन्म लेना होगा। लेकिन इन 3 जन्मों में भी अगर भगवान विष्णु या फिर विष्णु के अवतार ने उनका वध नहीं किया तो यह राक्षस योनि में ही रहेंगे। किंतु अगर इन 3 जन्मों में विष्णु तथा विष्णु के अवतारों ने इनका वध किया तो पुनः ये अपने स्वरूप को पा सकेंगे। कहा यह भी जाता है कि इनका पहला जन्म हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ था और भगवान विष्णु ने इन दोनों का संहार किया था। इसके बाद दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण बने, तब भगवान श्री राम ने इनका संहार किया। तीसरे चरण में यह शिशुपाल और तंत्रवर्क बने और उस समय भगवान कृष्ण का अवतार हुआ और दोनों राक्षसों का वध हुआ। इस प्रकार भगवान विष्णु ने इन दो भाइयों को पुनः परम धाम में पहुंचा दिया। तो इस प्रकार इन दोनों द्वारपारों भाइयों को राक्षस शरीर से मुक्ति प्राप्त हुई और पुनः अपना स्वरूप पा लिया। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए अध्याय और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।